जैसे MBA कर करके एक MBA चाय वाला बन गया और पूरे इंडिया में फेमस हो गया, तो कहीं ना कहीं वो अपने अंदर एक स्किल डेवलपमेंट किया। देखो, बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया, अब बिजनेस कैसे करना है उसके अंदर स्किल आ गया, अब बिजनेस कैसे करना है तो एक चाय का बिजनेस करके भी जो है ना वो पूरे इंडिया में जो है फेमस हो गया। अपडेट हेल्थ में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अनुज सिंह का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि दोस्तों आज दशहरा की नवमी है और लोग जो है पूजा पाठ कर करके शाम को घूमने फिरने निकलेंगे। समय बीतता जा रहा है, पहले वाला जो है त्यौहार में उत्साह नहीं रह गया है दोस्तों, पता नहीं क्या कारण है। पहले जितना त्यौहार में उत्साह होता था, लोग बाहर निकलते थे, घूमते थे, फिरते थे, अब जो है ना समय के साथ जो है वो सब सारा ख़त्म होता जा रहा है। लोग बाहर निकलना नहीं चाहते, उसका वजह क्या है? कुछ तो हमें लगता है कि ये मोबाइल वगैरह हो सकता है। लोग ज़्यादातर जो है घर में बैठ करके टीवी देखना पसंद करते हैं, मोबाइल वगैरह यूज करते हैं। पहले लोग बाज़ार में निकल करके खाते पीते थे, आजकल जोमेटो वगैरह या बहुत सारा जो है ऐप है जिसके माध्यम से लोग घर में ही मंगा करके खा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ना इससे क्या होता है कि आपस में लोग पहले जो बाज़ार में मिलते थे, मंदिरों में मिलते थे या फिर जो है कहीं मेला में मिलते थे, तो ये भाईचारा ख़त्म होता जा रहा है और अकेलापन जो है बहुत लोगों के साथ जो है बढ़ता जा रहा है। देखिए, स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ अच्छा खाना ही ज़रूरी नहीं है, समाज में रहना ज़रूरी है। हंसना, बोलना, व्यायाम करना, ये सब सारी चीज़ें जो है ना एक अच्छा स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है और कहीं ना कहीं जो है आज इन सभी चीज़ों से जो है लोग वंचित होते जा रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विस्तार हो रहा है, टेक्नोलॉजी हमारे लिए कई बार बहुत फ़ायदेमंद भी होता है, लेकिन मैं देखा हूँ कि कई बार जो है ये हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह भी होता है। कुछ हद तक जो है बेरोजगारी, महंगाई भी हो सकता है बाज़ार में नहीं निकलने का, क्योंकि गरीब लोगों के पास अब उतना पैसा नहीं रह गया है कि लोग बाज़ार में जा कर के महंगे खिलौने खरीद सके। खाना वगैरह इतना महंगा हो गया है, बाज़ार की चीज़ आप जाओ तो महंगाई इतना ज़्यादा हो गया है कि आप अगर चार फैमिली हो ना तो आपका जो है 500-1000 रुपया तो ऐसे यूँ निकल जाएगा, और 1000 रुपया कमाने में आज के समय में लोगों को जो है ना बहुत टफ हो गया है। मेरा कहने का मकसद ये है, तो बहुत सारा वजह है जिस वजह से जो है ये लोग बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग तो जिनके पास पैसा है वो घर में बैठे रहते हैं कि उनको बाज़ार में क्या जाना, छोड़ो, घर में सारा चीज़ मंगा के खा लेते हैं, और अगर बाहर कहीं निकलना भी चाहते हैं तो वो सीधा मॉल वॉल चले जाते हैं। दोस्तों, वो पहले का जो माहौल होता था कि एक बाज़ार जाना, मेला में घूमना, मेला में जब घूमते थे तो एक दूसरे से मिलते थे, भाईचारा बढ़ता था, एक मन में प्रसन्नता होता था, इससे जो है ना हमारा स्वास्थ्य कहीं ना कहीं जो है अच्छा रहता था। और ये वजह है आज के समय में कि लोग जो है बहुत कम उम्र में 40-40 साल, 35-35 साल, 25-25 साल के बच्चे जो है ना हार्ट अटैक से कोलैप्स होते जा रहे हैं। इसका बहुत सारा वजह भी हो सकता है कि मैं तो यही बोलूँगा कि मोबाइल का रेडिएशन वगैरह भी हो सकता है जो कहीं ना कहीं हार्ट बीट को जो है ना असंतुलित करता है और लोग यहाँ पर जो है कोलैप्स हो रहे हैं। बहुत सारे मैंने देखा है कि एक मैंने गुजरात का डांडिया करते हुए एक बच्चे का जो है वीडियो देखा, डांडिया कर रहा था, मात्र कितना 25 साल का लड़का होगा, हमें लगता है कॉलेज वगैरह में पढ़ रहा होगा, डांडिया करते करते अचानक गिर गया और हार्ट फेल कर करके मर गया। बताइए, इतना कम उम्र में हार्ट फेल होना, हमारा भोजन अच्छा नहीं होना, बाहर लोगों से जो है बहुत कम मिलना जुलना, शारीरिक व्यायाम कम करना, ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जो है हो सकता है कि वजह हो सकता है हम लोगों का जो है इन सभी चीज़ों का जो है ये होना। तो दोस्तों, मैं आप सभी से यही ज़रूर गुजारिश करूँगा कि आप पैसे खर्च करो ना करो, लेकिन आज के दिन जो है ना ज़रूर निकलो और देखो, मूर्ति जाओ, मंदिर में जाइए, मस्जिद जाइए जो मस्जिद जाना चाहते हैं। आज नौवीं है तो दुर्गा पूजा के पंडाल में जाकर के घूमिए, एक दूसरे मेला में जो है घूमिए, कुछ मत खरीदिए लेकिन घूमिए। उससे क्या होता है ना, आप एक दूसरे को देखेंगे तो समानता बढ़ता है, मन प्रसन्न होता है, ये सब चीज़ें होता है। दोस्तों, ऐसे कमाने की बात, दोस्तों मैं तो यही बोलूँगा कि बेरोजगारी तो है। देखिए, अब तो सरकारी नौकरी और ये सब चीज़ों के बारे में तो आप बिल्कुल ख्याल छोड़ दीजिए, आप कुछ ऐसा अपना बिजनेस करना शुरू कीजिए, चाहे वो कम पूंजी का हो या जैसे भी हो, आप उसको करना शुरू कीजिए। कहीं ना कहीं जो है आपके एक आमदनी पे मत रहिए, एक से अधिक आमदनी का जरिया आपका होना चाहिए। नौकरी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, पढ़ाई करते थे कि हमें जो है सरकारी नौकरी प्राप्त करना है, लेकिन आजकल नौकरी भी जो है
गवर्नमेंट जो है ना धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहा है, प्राइवेट नौकरी की संख्या बढ़ता जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है आप अपने आप को इस तरह से तैयार कीजिए, आप पढ़ाई तो कीजिए लेकिन पढ़ाई में एक स्किल डेवलपमेंट कीजिए कि आप कुछ अगर बड़े हो जाते हैं या फिर जो है कमाने के लायक हो जाते हैं, आपके ऊपर पारिवारिक बोझ अगर बढ़ता है तो वो उस स्किल के थ्रू जो है आप अर्निंग कर पाएँ और अपने फैमिली को जो है चला पाएँ। उन सभी चीज़ों में जो है आज के समय में जो है डायरेक्ट सेलिंग हो गया, ये बहुत अच्छा कामयाब चीज़ है। बहुत सारे लोग जो है डायरेक्ट सेलिंग से बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और भी बहुत सारा चीज़ है, मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ही बात नहीं करूँगा। देखिए जैसे MBA कर कर के एक MBA चाय वाला बन गया और पूरे इंडिया में फेमस हो गया, तो कहीं ना कहीं वो अपने अंदर एक स्किल डेवलपमेंट किया। देखो बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया, अब बिजनेस कैसे करना है उसके अंदर स्किल आ गया। अब बिजनेस कैसे करना है तो एक चाय का बिजनेस करके भी जो है ना वो पूरे इंडिया में जो है फेमस हो गया। आजकल और भी बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो अलग अलग स्किल लेकर के जो है मार्केट में जाते हैं और अपने आप को पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस कर रहे हैं। तो आप भी अपने अंदर ऐसा स्किल डेवलपमेंट कीजिए और पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस होइए। आप गवर्नमेंट के भरोसे बैठे हैं तो वो ज़माना चला गया दोस्तों कि गवर्नमेंट आपके लिए सारा चीज़ सुविधा दे देगा। आप अपने अंदर वो स्किल डेवलपमेंट कीजिए और ख़ुद को ऐसा तैयार कर लीजिए कि अगर किसी भी तरह का कोई ऐसा मौका आ जाए तो आप मिट्टी को भी सोना बना करके जो है आप घर में सजा दें और मिट्टी को भी सोना बना दें और उसको बेच करके जो है आप अच्छा पैसा अर्निंग कर सकें। लेकिन ये स्किल आपके अंदर होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स अगर कुछ हम देखो गलतियां तो सबसे होती है, हो सकता है कि मेरे बोलने में भी बहुत सारी गलतियां, बहुत अलग अलग लोगों का अलग अलग मत होता है और मतभेद होता ही है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप मेरे कमेंट्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उस पर सुधार कर सकूँ और नेक्स्ट वीडियो में जो है उससे ज़्यादा जो है अच्छा मैं आपको बता सकूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपका अगला जो मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन समय पर चला जाए। अनुज सिंह का एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।